हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लेके आए लॉस एंड प्रॉफिट। अपना लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चंस बेसिक से लेके चलेंगे। ये हर एग्जाम में आपके इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ्स आएगी उसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हो सकता है आपको इजी लेवल के पूछे या मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल का पूछ ले, पर क्वेश्चन हमेशा आएंगे। तो आज हम बेसिक से शुरू करेंगे और अपना इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और लास्ट तक हम इसके 4 से 5 वीडियो बनाएंगे और टिपिकल लेवल तक लेके जाएंगे दोस्तों। तो इसमें क्या है, सीपी दिया गया है। सीपी कई बार, सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एस मतलब सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस। तो सेलिंग प्राइस को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा और लॉस है तो आपका माइनस हो जाएगा। ये तो था फॉर्मूला अपना। तो ये थी बेसिक बातें, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया, एक वस्तु को 8640 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या, हमें क्या पूछना है, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अगर 4% के नुकसान पे बेच रहा है, मतलब 96 रुपए अपना सेलिंग प्राइस है, तब आपका क्या है, 8640 है, एक रुपया होगा तब क्या होगा, 8640/96। जब 100 रुपये लागत मूल्य होगा तो इंटू 100 कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका 9000 आंसर आ जाएगा। 8640/96 × 1000। या फिर करना है आपको तो दूसरा मेथड ये है, बेसिक मेथड से, जब 96 सेलिंग प्राइस है तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। एक रुपया है तो 100/96 × 8640। कैसे भी कर लो दोस्तों, एक ही चीज़ है, 96 सेलिंग प्राइस है तब कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपये, और 1 रुपया तब 100/96, और 8640 है तब आपका क्या होगा, 100/96 × 8640। तो ये इसको सॉल्व करेंगे अपना कितना आंसर आ रहा है, 9000 आंसर आएगा दोस्तों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है, और यदि वह उस वस्तु को 12% मुनाफा चाहता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 88%, मतलब इसको जब 12% का लॉस होता है, 100 में से 100% उसका वो है कॉस्ट प्राइस, तो 12% लॉस होगा, तो 100 - 12 करेंगे तो अपना क्या आएगा, 88। जब 88 है तो वो 5280 रुपये में बेचता है दोस्तों। अब 12% मुनाफा चाहेगा, तो 100 पे मुनाफा कितना, 12% चाह रहा है, तो 100 + 12 हो जाएंगे, तो 112 पे हमें ज्ञात करना है, 112 पे ज्ञात करना है। तो 5280, अब 5280 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 112 पे ज्ञात करना है, तो 112 पे ज्ञात करेंगे तो 6720। 88 से जब 5280 को काटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा, 60 टाइम्स कट जाएगा अपना। एक बार फिर से समझाऊं क्या, 88% है तब उसका सेलिंग प्राइस तब कितना है, 5280, तो 1 रुपये पर कितना होगा, 5280/88। जब 112 रुपये कमाना चाह रहा है तो इंटू 112 कर देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6720 आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, एक वस्तु को 1352 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 4% मुनाफा प्राप्त करता है। 4% मुनाफा मतलब 100 पे 4 आपका कितना होगा, 104। जब 104 है तब कितने में बेच रहा है आपका, 104 है तब 1352 रुपये में, 1 रुपया होगा तब कितना होगा, 1352/104। अब क्या बोला आगे, 14% मुनाफा कमाने के लिए इसको कितने प्रतिशत दाम पे बेचना चाहिए, तो 100 पे 14% मतलब 100 पे ही है, तो 100 + 14 करेंगे तो 114 पे कितना होगा, तो इंटू 114 कर देंगे दोस्तों। 114 करेंगे तो आंसर आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1482, क्योंकि 104 का भाग इसमें देंगे 1352 में, तो 13 बार जा रहा है, और 13 को 114 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1482 आपका आंसर आएगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, इसको क्या हमें हमेशा 100 पे लेके ही सॉल्व करना है, जब आपको दिया गया है तो 100 पे लेके सॉल्व करें। 100 पे कैसे लेंगे, 100 पे देखो क्या दिया है,
जैसे एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, 1352 रुपये में बेचने पर 4% मुनाफा, 4% मुनाफा मतलब वो 104 रुपये में बेच रहा है, 104 में बेच रहा है, तब क्या है 1352 रुपये एक्चुअल प्राइस है, वो क्या कर रहा है 114 रुपये मतलब 14% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो उस पर कितने में बेचेगा, तो 104 पे बेच रहा है तो 1352, तो 1 रुपये में बेचेगा 1352 अपॉन 104, और जब 114 में बेचनी है तो 1352 अपॉन 104 इंटू 114, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% लाभ पर बेचता है, यदि उसको कोई लाभ और हानि नहीं होती है, उसको 99 रुपये कम प्राप्त होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। एक दुकानदार एक वस्तु को 18% लाभ पर बेचता है, 18% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो 18% लाभ पे बेच रहा मतलब कितने का गैप है, 18 रुपये का, 18 रुपये है, तब उसको 99 रुपये कम प्राप्त होता है, 99 रुपये मतलब कम प्राप्त होता है, तो यहाँ पे जो गैप है वो कितना है, यहाँ पे आपका गैप कितना है, जब 18% लाभ पे बेच रहा था तब क्या है आपकी लागत मूल्य 100 रुपये, तो गैप कितना है 18 का, 18 पे कितना गैप है 99 बटा 18, जब 100 रुपये होगा तब कितना होगा, तो हम याद करेंगे तो जब मतलब आपके जो कॉस्ट प्राइस वो कितनी है 100 है, तो 100 पे कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, नहीं तो इसको क्या है एक्चुअली जो है 18 रुपये का डिफरेंस है तब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, 1 रुपया है तब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 अपॉन 18, और जब 99 का डिफरेंस है तब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100 अपॉन 18 इंटू 99, ये दोनों मतलब कैसे भी आप समझ सकते हैं, तो एक बार फिर से समझाऊं, जब 18 का गैप है तब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, 1 रुपया है तब कितनी होगी 100 बाई 18, जब 99 का मतलब 99 रुपये का गैप है तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो ये था आपका, ये कम नहीं है दोस्तों, ये क्या है जब लाभ हो रहा तो ज़्यादा प्राप्त होते हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, 99 रुपये आपका ज़्यादा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 4% नुकसान पर बेचता है, यदि वह इसे 49.50 अधिक में बेचता है तो 5% लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, अपने सीधा लेना है, 9 रुपये का अंतर है तब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, ये आप इस पर मत जाइए, इस पर थोड़ा समझ नहीं आएगा, ये दूसरे वाला टाइप का क्वेश्चन है, अगर ये मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं हम, टाइप टू से भी समझ सकते हैं, जब 9 रुपये का अंतर है, 9 रुपये कैसे हुआ, 96 रुपये पहले था, 96 मतलब 4% नुकसान था, और 105 में बेचता तो कितने का फर्क आ जाता है, 9 रुपये का फर्क आता है, 9 रुपये का फर्क है तब कितनी है सीपी आपकी 100, 1 रुपये होगा तब क्या होगी सीपी 100 अपॉन 9, अब क्या क्वेश्चन में कितना दिया है 49.50 रुपये का अधिक में बेचेगा तो कितना होगा 100 अपॉन 9 इंटू 49.50 इजिकल टू अपना आंसर आ जाएगा 550। तो ये था दोस्तों इस तरह से अपना पांचवा क्वेश्चन, और ये थे लॉस एंड प्रॉफिट का पहला वीडियो, हम सेकंड वीडियो भी अपलोड करेंगे, उसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, थैंक यू।